नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां देश भर की तमाम विपक्षी पार्टियों ने एकजुटता दिखाते हुए एनडीए को हराने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया था, वहीं अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले उसमें दरार आती नजर आ रही। एक ओर जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए अपनी सीटें नहीं छोड़ी और सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, वहीं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया था, जिसके जवाब में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें आड़े हाथों लिया। क्या कहा अखिलेश यादव ने, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी का बीते मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में अपनी पूरी रिपोर्ट दिखाई। उन्होंने बताया कि कांग्रेसी नेताओं ने रात के 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया और आश्वासन दिया कि समाजवादी पार्टी के लिए 6 सीटों पर विचार किया जाएगा। वहीं जब सीटें घोषित हुई तो समाजवादी पार्टी के लिए कोई सीट नहीं रखी गई। उनका कहना है कि अगर उन्हें इस बात का पता पहले होता कि विधानसभा स्तर पर इंडिया का कोई गठबंधन नहीं है तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाते। वहीं अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कांग्रेस के नेताओं पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाया और कहा कि ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। अगर मुझे पता होता कि गठबंधन राज्य स्तर पर नहीं है तो मैं सपा नेताओं को दिग्विजय सिंह के पास नहीं भेजता। अगर मुझे पता होता कि कांग्रेस के लोग हमें धोखा देंगे तो मैं उन पर भरोसा नहीं करता। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही है। सपा और कांग्रेस में अनबन देखने को मिल रही है। एमपी विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा तो यूपी में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी इस मुद्दे पर फिर से अपनी प्रतिक्रिया दे डाली। अजय राय ने कहा कि एमपी का वोटर हाथ का पंजा जानता है, साइकिल को नहीं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि अगर आप इंडिया गठबंधन का मजबूत हिस्सा हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस राज्य की स्थिति कैसी है। एमपी में कांग्रेस और बीजेपी की ही लड़ाई होती है, सपा को तो समर्थन करना चाहिए। इनके एक ही विधायक थे वहां, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। एमपी में मजबूती से सपोर्ट करेंगे तो इसका फायदा सपा को लोकसभा चुनाव में मिलेगा। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।